नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब विंडोज 11 के बारे में आज बात की जाएगी। आप लोगों ने भी देखा होगा विंडोज 11 माइक्रोसॉफ्ट ने रोल आउट कर दिया है और विंडोज 10 के बाद अब जो है विंडोज 11 आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके क्या बेहतरीन फीचर्स हैं और क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होने वाली हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि दोस्तों बताया गया है, आप जो है जब विंडो 10 चलाते हैं तो वहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाने के बाद विंडो 11 को वहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस रिक्वायरमेंट ज़रूरत होंगी, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का ही वीडियो है 2.5 मिनट का उनकी वेबसाइट पर, जो कि हम आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देते हैं। और इसमें ही आपको जो है देखने मिलेगा कि ये किस तरीके से जो है काम करने वाला है। ये जो है ओपनिंग लोगो है इसका, और क्योंकि इसमें जो है दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, इसको डिज़ाइन जो जिस तरीके से किया गया है तो बहुत ही बेहतरीन इसमें फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और इसमें जो भी मेन्यूज़ वगैरह बताए गए हैं, जो भी आपके स्टार्टअप्स के बटन्स वगैरह हैं, उन्हें विंडोज़ जो है सेंटर में लेकर आ गई है, क्योंकि ये एक नया कह सकते हैं कि इन्वेंशन टाइप का हो गया है। ये आप उसके कुछ सिम्बॉलिक ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ये वाईफाई वगैरह और बैटरीज की लोकेशन, ये आपको जिस तरीके से दिखेंगी वो भी आपको देखिए यहाँ शो हो रहा है। ये आप नेचुरल वे में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये जो है लेफ्ट कॉर्नर से जो है सेंटर में जो है आ गए हैं। और इस तरीके से दोस्तों काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं, और फीचर्स में जो आपको नया देखने मिलेगा वो है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मीनिंग यहाँ पर है कि पहले आप जब विंडो 10 में आप अलग अलग विंडोज़ को अलग अलग हम कह सकते हैं टैब्स को ओपन करते थे तो उनको रिसाइज करने में जो है दिक्कत जाती थी, लेकिन यहाँ जो है रिसाइज करने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला गया है। और उसमें जो है आपकी पूरी विंडो को कैप्चर कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी, ये जितने भी आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं इतने पार्ट्स में जो है आप अपने विंडो की स्क्रीन को डिवाइड कर पाएंगे और साइमल्टेनियसली एक साथ जो है उन पर आप काम कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट का टीम एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर जो है इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन कॉलिंग, चैटिंग वगैरह, मीटिंग्स जो कर पाते थे वो भी इसमें जो है आपको उसका सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप ये देख सकते हैं एक कॉन्टेंट बनाया गया है, जैसा कि आप लोगों ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में देखा होगा अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आजकल मोबाइल कंपनीज के, उसी तरीके से ये बनाया गया है। इसमें आपकी फेवरेट चीज़ें और आपके ही तरीके का एक कह सकते हैं इसमें एक होम आइकन बनाया गया है, जो जो चीज़ें आपको देखनी साइमल्टेनियसली पसंद है वो सभी का डाटा जो है आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो गेमिंग आपको एक्सपीरियंस देने वाला है ये भी जो है बहुत एक हाई लेवल का एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और क्योंकि ये सपोर्टिव विंडो है और बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसका वेट हो रहा था काफ़ी समय से, और क्योंकि ये जो अपडेशन जो है रोल आउट कर दिया गया है, कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए आपको इसकी PC हेल्थ चेक ऐप भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाकी आप ये मिनिमम रिक्वायरमेंट देख पा रहे हैं दोस्तों, 1 GHz और फास्टर विथ 2 और मोर कोर्स के साथ 64-bit का अगर प्रोसेसर आपका है, जिसकी मेमोरी 4 GB रैम होनी चाहिए, स्टोरेज जो है 64 GB और उससे ज़्यादा भी चलेगा, और फर्मवेयर जो आप देख पा रहे हैं UEFI सिक्योर बूट कैपेबल जो है, ग्राफिक्स कार्ड आप देख पाएंगे, इसी तरीके से डिस्प्ले आपको 720 पिक्सल जो है मिनिमम यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ सिस्टम रिक्वायरमेंट पर जाने के बाद जो है और भी एलोबरेट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये जो है विंडोज 11 फिट बैठेगी या नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारी ऐसी समस्याएँ आ रही हैं, ये इंस्टॉल तो हो रही है लेकिन रन नहीं हो पा रही है ये, और इसी कारण से जो है इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, किन किन चीज़ों का इसमें सपोर्ट है, किन में आपको सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे जो यूज़र्स हैं जो विंडो 10 को चला
चला रहे हैं, और विंडो 10 उन्हें ये क्वेश्चन है कि क्या विंडो 11 हमारे में सपोर्ट करेगा। तो आप इनके जो पीसी हेल्थ चेक पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपके लैपटॉप का जो आपके पीसी का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा वो वहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विंडो 11 जो है वहाँ से रोल आउट होकर आपके डिवाइस में आएगी या नहीं। तो दोस्तों काफ़ी देखने में तो अच्छी लग रही है ये, और एक्सपीरियंस भी इसका काफ़ी दिनों से इसका वेट चल रहा था विंडोज़ 11 का, और काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा स्पेस इसके डाउनलोडिंग में लग रहा है ये एक्सपीरियंस किया गया है, लेकिन काफ़ी शानदार फीचर्स के साथ ये आपको देखने मिलेगी। और क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है सभी चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, तो अगर आप भी चाहते हैं जितने भी विंडो 10 यूज़र हैं या जितने भी नया पीसी नया लैपटॉप लेने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, उनके लिए भी ये ध्यान रहेगा कि वो विंडो 11 को ही जो है ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, और जिन्हें विंडो 11 के बारे में काफ़ी सारी क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से भी लिखकर बता सकते हैं, हम उनके क्वेश्चंस का आंसर देना भी बिल्कुल समय पर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।